स्कॉर्पियो की रील देख रहा है, ये तो तबाही है क्लासिक। तो कुछ इस तरह के कारनामे करने के लिए देखो, कुछ इस तरह के कारनामे करने के लिए निकलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एबी 7000 व्लॉग। राम राम जी, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के। तो भाई लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हमने पीपीएफ करवाई अपनी गाड़ी की और आज गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी और आज फाइनली मतलब गाड़ी ना लॉन्ग ड्राइव के लिए इसकी टेस्टिंग होने वाली है भाई स्कॉर्पियो एन की, क्योंकि हम जा रहे हैं भाई यहाँ से अमृतसर और अमृतसर है लगभग 600 किलोमीटर। तो इसकी टेस्टिंग हम पहली बार करेंगे हाईवे पे। और ये अपनी थार खड़ी है सुमित की, सुमित आपने देखा हुआ व्लॉग में, देखो उस पर थार है पंजाब नंबर डीजल। तो ये थार खड़ी हुई है और ये इधर खड़ी है भाई अपनी स्कॉर्पियो, ये रहे देखो विशाल, और दोनों गाड़ियाँ खड़ी है। लेकिन अभी हम जाएंगे स्कॉर्पियो से, आज इसका टेस्ट लेंगे। क्या टेस्ट है भाई इसका, स्कॉर्पियो में कितना दम है आज पता चलेगी। अमृतसर तक आज बिल्कुल निचोड़ देंगे इसको, सारी एवरेज वेवरेज जो जो चीज़ पता चलती रहेगी सारी चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। थार तो देखो ऑलरेडी है ही बढ़िया, थार के साथ छोटी थार जा रही है उरी। और अब चलते हैं भाई हम अपना, अभी मिलवाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, विशाल जा रहा है, अक्षय जा रहा है, सुमित को कुछ काम है वो जा नहीं रहा, तो अभी मिलवाता हूँ। अभी आप ले लिया पानी? ओके सुमित चल यार, तू भी चलता तो मजा आता भाई। अगली बार फिर कहीं और ही चलेंगे। हाँ पता है उदयपुर वाला, हाँ उदयपुर वाला, चल फिर मिलते हैं ठीक है। चलो गाइस अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं भाई, और लेट हो रहे हैं क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। ये फोटो हाँ, ये यही तो फील है इसकी। तो मिलते हैं गाइस, अभी आज की जर्नी जो है दिल्ली से और अमृतसर की और स्कॉर्पियो का जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे रास्ते में सारी चीज बताते रहेंगे आपको। अक्षय सो जा तू, चल भाई। एवरेज दिखा रही है अभी 10.3 की नई गाड़ी है, देखते हैं अमृतसर तक कितनी आएगी, पता चलेगा स्कॉर्पियो इनकी कितनी ले आएगा विशाल। 15 की आ जाएगी भाई, 15 देखते हैं फाइनल पहुंचते पहुंचते कितनी आएगी आज। 18-20 निकाल के भाई साहब आप रहने दो, नहीं तो हम पे तो डीजल इतना बच जाएगा कि हम उसे देखना पड़ जाएगा। वर्किंग बॉय भाई साहब, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका देखो। तो भाई अभी आ गए हम अपना मुरथल सोनीपत, और देखो कावड़ जा रही है, कावड़ी कावड़ है भाई, हर जगह कावड़ी कावड़। अभी हम कुछ ले लेते हैं अपना यहाँ से खाना वाना, सारी तरफ कावड़ी कावड़ चल रही है भाई, जहाँ जाओ हर जगह कावड़। भाई अराइवल दिखा रहा 7:17 का, घंटे भी दिखा रहा 7:17, थाला फॉर ए रीजन भाई, भाई हर जगह है भाई साहब। हेटर्स कहेंगे थाला फॉर रीजन, बट भाई देख लो यहाँ भी थाला फॉर रीजन हो चुका है। और गाड़ी की एवरेज आ चुकी है हमारी 16 की, 16 पहुंच चुकी है गाइस एवरेज। तो भाई गाड़ी आ चुकी है इस टाइम अम्बाड़ा, और टेस्टिंग अभी तक तो फर्स्ट क्लास चल रही है, एवरेज से भी, पिकअप से भी, सारी चीज़ों से मस्त एकदम। लाइट वाइट पूरी हमने लगा दी है इसमें पूरी, अभी तो बहुत मॉडिफिकेशन अभी बाकी है इसमें, और ज़बरदस्त अभी तक तो भाई टेस्टिंग चल रही है इसकी देखो। और अभी आगे देखते हैं अमृतसर तक ये कितना, मतलब कि क्या क्या इसमें हमें और चीज़ें पता चलेंगी। बीच वाली जला ये वाली जरा जरा। तो भाई गाड़ी ने मजा बांधा हुआ है पूरा स्कॉर्पियो एन ने विशाल, ये देखो बंदा पीछे ओए 5-star होटल में लेटा हुआ है भाई, बड़ा मजा आ रहा है ये देखना गाइस। भाई बिल्कुल पीछे पहुंच चुका है बंदा, एंजॉय ले रहा है ना, वेरी कंफर्टेबल, ऐसा लग रहा है घर लौट रहा है। है और क्या भाई, अभी ये वाली भी लेटेगी भाई पूरा बेड बन जाएगा। अभी तो ये वाली भी गाइस, ये वाली सीट भी लेट जाती है पूरा पीछे, ऐसे होता है ऐसे पूरा मतलब बेड बन जाता है पूरा। ये भी लेट जाएगी तो भाई फिर पूरा बेड फ्लैट बेड। तू पीछे डिग्गी में को बाहर को मत लेट दियो ना, तक बढ़िया गद्दे बिछा के कंफर्टेबल है ना पूरी। हेक्टर से ज्यादा या कम? नहीं हेक्टर से कम है भाई, हेक्टर से कम है, बट ब्रांड देख अलग है स्कॉर्पियो है ना। तू बता भाई, तू बता लौंडे भाई, हेक्टर का कंफर्ट अलग है, उसकी ड्राइव अलग है, और इसका ड्राइव अलग है, इसका रुतबा अलग है, ड्राइव की रुतबा अलग है। हेक्टर चॉकलेट इन की गाड़ी है, है हेक्टर चॉकलेट इन गाड़ी है। गाइस एवरेज आ चुकी है भाई, हम ले आए एवरेज 17 पॉइंट उतने की, और कितना रह गया लुधियाना हरियाणा में इंटर
तो भाई 17.3 की ला चुके हैं एवरेज अभी तक हम इसकी स्कॉर्पियो की, और आ चुके हैं भाई अंबाला। ये देखो हरियाणा खत्म हो जाएगा यहाँ से, अंबाला में एंट्री हो चुकी है। तो भाई देखो ये विशाल तो मजाक सोच रहा, लेकिन भाई स्कॉर्पियो है देखो बादशाह की गाड़ी, हेक्टर वगैरह तो ये चिलगोजे वगैरह होते हैं ना जो अपना चॉकलेटी टाइप, उनकी गाड़ी है। मैं तुम्हें सच बताऊं स्कॉर्पियो बादशाह यार रुतबा भौकाल है यार, बिग डैडी ऐसी थोड़ी बोलते हैं। स्कॉर्पियो अपने पास अब एक ब्लैक होगी, एक ऐसी 11 व्हाइट वाली होगी, तो अब जो जलवा ही चलेगा। अभी तो फिलहाल हम पहुंच रहे हैं अपना स्कॉर्पियो बिग डैडी ब्लैक में अमृतसर के लिए। भाई अंबाला पहुंच चुके हैं, एवरेज भी देखो 17.3 पहुंच चुके, कंपनी भी 16 इसका मेरे ख्याल से क्लेम करती है। और कल आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है कल का दिन, और गाड़ी के लिए भी सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा चीजें होने वाली हैं। अभी तो मॉडिफिकेशन में आपने सिर्फ पीपीएफ वगैरह ही देखी है मॉडिफिकेशन में, और लाइटें वाइटें ये देखी है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। तो फिलहाल भाई पहुंचते हैं हम अपना अमृतसर, अभी अंबाला है, अभी लगेंगे हमें कितना दिखा रहा है टाइम, है साढ़े चार घंटे और लगेंगे। तो गाइस पहुंच के मिलते हैं, और देखो ये बंद करे हुए हैं रोड सारे किसान आंदोलन के चक्कर में, तो पहुंचेंगे फिर मुलाकात करते हैं आपसे रास्ते में, देखेंगे एक एक कॉफ़ी की जरूरत तो मुझे लग रहा है कि होगी। अक्षय तो सो जाएगा, इसको नहीं पीनी कॉफ़ी, नहीं सो रहा कॉफ़ी के नाम पे भाई जग्गा देखो ओए। लाइट बंद करके चुप लौट जा अपने, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं अभी रास्ते में आगे। तो भाई टाइम हो चुका है सुबह का 5:43 और 92 किलोमीटर बचे, भूख लग रही है बहुत तेज, ब्रेकफास्ट का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है ना विशाल, जिम जाते हैं तो है ना इस टाइम उठ जाते हैं हम ना, बिल्कुल। तो अभी बर्गर वगैरह ही मिलेगा वैसे तो यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हमारे जो शेक होता है कच्ची मूंगफली का वो तो मिलेगा नहीं। अक्षय क्या लेगा? बर्गर बिरगर ले ले बिरगर। सुबह सुबह प्रोटीन लेने वाले बंदे, शेक लेने वाले बंदे बर्गर खा रहे हैं देखो है? और ये भाई साहब क्या कह रहा बताइए, इधर क्या फ्री है? ये कह रहा ऑयल फ्री है भाई, ये बर्गर मजबूरी में खाना पड़ रहा, नहीं ऑयल फ्री तो ऐसी खवाता मैं तो। ये देखा भाई सही है ब्रेकफास्ट तेरा, सही भाई बहुत बढ़िया मिल गया है ना टाइम पे। गैस मिला नहीं ना हमें कुछ बीच में, इसलिए भाई मजबूरी में बर्गर ही ले लिया। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, एंट्री कर चुके हैं, 7:15 बज रहे हैं भाई। और ये देखो अमृतसर की एंट्री यहाँ से होती है, ये देखो गोल्डन टेम्पल है ना गोल्डन, तो इसीलिए इसका भी कलर गोल्ड से देखो पूरा बिल्कुल गोल्डन है देखो। तो हमने एंट्री कर ली है भाई, और ये पंजाब के बड़े बड़े बैरिकेड्स देखो कैसे होते हैं। और गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो अभी गाड़ी की परफॉर्मेंस भाई फिलहाल तो ये है कि फुल टैंक हमने कराया था तो 744 किलोमीटर चली है और 60 किलोमीटर और चलेगी, यानी कि लगभग 800 किलोमीटर अभी एक टंकी में चल रही है, जिसमें कि अभी बिल्कुल नई गाड़ी है तो परफॉर्मेंस तो ओके है, चलाने में बिल्कुल कम्फर्टेबल है, भगने में स्मूथली ड्राइव और झोल वगैरह इतने नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में कुछ भी, और भयंकर परफॉर्मेंस लगी है भाई मुझे तो। और विशाल सो चुका है भैया, तो अभी पहुंचते हैं हम, और एवरेज भी बढ़िया मस्त मिल गई हमें, और गाड़ी तो खैर है ही ज़बरदस्त, और बिल्कुल मतलब रोड पे चलती है तो भाई एक अलग ही जलवा लगता है इसका। तो अभी पहुंचते हैं हम अपना पहले होटल की तरफ, और एक चाय की चुस्की भी हो जाए ज़रा, उसको ढूंढते हैं फिर मुलाकात करते हैं, विशाल को उठा दूंगा वहाँ पर जाके मैं। नींद की था तुझे तो नींद नहीं आ रही अक्षय? ये देखो गाइस जुड़वाए दोनों, विशाल और अक्षय दोनों जुड़वाए, ये बड़ा जुड़वा है वो छोटा जुड़वा है, बड़ा छोटा जुड़वा कौन सा होता है। और ये इस टाइम देखो तुड़वा हो चुका है विशाल, तुड़वा अक्षय जुड़ा हुआ बैठा है। पहुंच गए गाइस हम अपना उसी होटल में अमृतसर, गाड़ी कर दी हमने पार्क बिल्कुल देखो अपनी उसी जगह में, और ये रहा अपना होटल, अभी चलते हैं अंदर, अंदर चल के मिलते हैं। अमृतसर की सुबह वही पुराने लोग, वही सारी वही सड़कें सारी, वही अपना होटल ये रहा सामने, अब चलते हैं गाड़ी पार्क कर दिए, और होटल केशव दा ढाबा यहाँ पे है ही भाई। देखो भाई अलवर की तरह यहाँ भी सबसे पहले आते ही रूम में भाई साहब लेट गए हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर ले जब सोजियो, कमाल है यार तू भी अलवर में भी। देखो सबसे पहले आज तो गाड़ी भी मैंने चलाई है, स्कॉर्पियो की रील देख रहा है, ये तो तबाही है क्लासिक। तो भाई पहुंच गए अभी अपने रूम में, और अपना चेंज करते हैं सोते हैं,
क्योंकि सोए नहीं है, रात के चले हुए 10:30 बजे के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब हम निकलेंगे अपना नए ब्लॉग में कुछ इस तरह के कारनामे करने के लिए। देखो कुछ इस तरह के कारनामे करने के लिए निकलेंगे भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है गाइस, तो अभी सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। सत श्री अकाल पाजी, बाय बाय गाइस।